नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मुसलमानों का मसीहा बना चीन अंदर से कितना खोखला है यह आप देख लीजिए। फिर हमारे यहाँ के कुछ नेता कहते हैं कि चीन की मदद से धारा 370 को वापस लाएंगे। चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से पूरी दुनिया वाकिफ है, यहाँ लाखों मुसलमान कैद में हैं। तुर्की पाकिस्तान जैसे देश मुस्लिमों के मसीहा बनने का ढोंग रचते हैं, लेकिन इस मसले पर इन देशों की चूँ भी नहीं निकलती। भारत के जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते हैं और चिल्लाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात चीन के मुस्लिमों की आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। अब वीगर मुस्लिम खुद चीन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। मुस्लिमों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें चीन के अत्याचार से आजादी नहीं मिल जाती, उनका संघर्ष रुकने वाला नहीं है। पूर्वी तुर्किस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में वीगर मुस्लिम सड़कों पर उतरे और ड्रैगन के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन के दौरान वीगर समुदाय के नेताओं ने कसम खाई कि जब तक चीन से आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। बता दें कि पूर्वी तुर्किस्तान भी मध्य एशिया का एक स्वतंत्र हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। इसे ही आज शिनजियांग प्रांत के रूप में जाना जाता है। यहाँ समय समय पर आज़ादी के लिए प्रदर्शन होते रहे हैं। चीन विरोधी प्रदर्शन में शामिल वीगर नेताओं ने कहा, जब तक हम अपने लोगों को आज़ाद नहीं करा लेते, तब तक हम आराम नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे अपने अधिकार हैं, हमारे पास चीन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है और हम बताना चाहते हैं कि दुनिया का हर वीगर मुसलमान एक सिपाही है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेगा। 12 नवंबर को पूर्वी तुर्किस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई देशों में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। पूर्वी तुर्किस्तान या शिनजियांग में 10 मिलियन वीगर हैं, जो लंबे समय से चीन के शोषण का शिकार हो रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह बात सामने आ चुकी है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार मुस्लिमों को तरह तरह से प्रताड़ित करती है। उनसे जबरन श्रम करवाया जाता है, उनकी आबादी घटाने के लिए जबरन गर्भपात भी कराया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिमों पर अत्याचार के मद्देनजर चीन के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत निर्मित सभी उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वहां वीगर मुस्लिमों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ट्रंप सरकार चीन के इस अमानवीय कृत्य को पुरजोर तरीके से उठाती आई है। अब जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है तो ये देखने वाली बात होगी कि नए राष्ट्रपति का इस मुद्दे पर क्या रुख रहता है। क्या वामपंथी विचारधारा वाले जो विडन जिनपिंग के खिलाफ कदम उठाएंगे और कब इमरान जागेंगे और चीन से अपना पल्ला झाड़ेंगे, क्योंकि वो भी मुस्लिमों की पैरवी करते हैं और लेकिन चीन के मुद्दे पर चुप होकर बैठ जाते हैं। आपको ये न्यूज़ कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।